हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन गुप्ता, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। मैं बता दूं कि आज का जो हमारा लेक्चर है ये डिस्काउंट बट्टा यानी छूट पे है और ये टाइप टू का है। तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप टू के प्रॉब्लम को। देखिए, टाइप टू का जो नाम है, यदि वस्तु को बिना छूट दिए बेच दिया जाए। दोस्तों, ये जनरल एक कॉमन क्वेश्चन है जो इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस पे जो मैंने लिया है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 4% छूट पर बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु को बिना छूट दिए बेच दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने आपको डिस्काउंट पे कुछ कॉन्सेप्ट समझाया है। एक विक्रेता किसी वस्तु को 4% छूट पे बेचता है तो दोस्तों एमआरपी का 96%, क्योंकि उसने 4% का डिस्काउंट दे दिया है, और बराबर, अब इसको हम किसके बराबर करेंगे, तो बेचकर 12% का लाभ कमाता है तो आप करोगे सीपी का 112%। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा कि एमआरपी पे 4% का छूट देने के बाद जो प्राइस आएगा वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, और सीपी पे 12% का अगर हमने लाभ जोड़ दिया तो ये भी हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम परसेंट से परसेंट को कटा सकते हैं। यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे एमपी अपॉन सीपी। तो दोस्तों, एमपी अपॉन सीपी की जो वैल्यू होगा 112/96 यानी 112/96। दोस्तों, इस दोनों को आप कटाइए और देखिए किस से कटेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये 16 से कट जाएगा, 16 × 7 = 112 और 16 × 6 = 96। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 7/6। तो देखिए, हमें एक रेशियो मिला, एमपी और सीपी का रेशियो जो है 7:6 मिला। तो दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि अगर एमपी हमारा 7 रुपया है तो उस केस में हमारा सीपी 6 रुपया है। ये हमें एक रेशियो मिल गया। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि वह वस्तु को बिना छूट दिए बेच दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, अगर आप किसी प्रोडक्ट को बिना छूट पे खरीद रहे हो, यानी कि दोस्तों उस प्रोडक्ट पे जो मार्क प्राइस होगा, जो अंकित मूल्य होगा, उसी प्राइस पे वो दुकानदार बेचेगा अगर वो कोई छूट नहीं देगा। तो मैं कह सकता हूं कि मार्क प्राइस अगर सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए, इसका मतलब कि उस वस्तु पे आपको कोई छूट नहीं मिला है, यानी जितना उस प्रोडक्ट पे प्राइस लिखा है उसी प्राइस पे आपको वस्तु दुकानदार ने दे दिया, यानी उसी प्राइस पे उसने बेच दिया। तो देखो दोस्तों, जब बिना छूट पे वस्तु को बेचा जाता है तो उस केस में मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मार्क प्राइस 7 है तो दोस्तों, यहां ध्यान से देखिए कि मार्क प्राइस बराबर एसपी और ये बराबर किसके हो जाएगा, 7 के, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में यही पूछा है कि अगर बिना छूट दिए बेच दिया जाए तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सीपी आपका जो आया इस रेशियो से 6, यानी सीपी अगर 6 है और एमपी हमारा 7 है, बिना डिस्काउंट पे बेचेंगे तो 7 रुपए हमारा एसपी हो जाएगा। तो अब आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज लाभ, कि लाभ कितना होगा और वो परसेंट में बताना है। तो दोस्तों, आप क्या करोगे, लाभ कैलकुलेट करोगे, यानी 6 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के अगर किसी दुकानदार ने 7 रुपए में बेच दिया तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और बटे में क्या आएगा दोस्तों, सीपी यानी 6 और इनटू 100। तो मैं कह सकता हूँ 100/6, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 50/3, और 50/3 का मतलब होता है 16/2/3%। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 16/2/3% का लाभ अगर वो बिना डिस्काउंट का बेचेगा, यानी बिना छूट का बेचेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इस टाइप पे एक क्वेश्चन और देखते हैं कि उसका कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचकर 10% की हानि उठाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि यदि वह वस्तु को बिना छूट दिए बेच दे तब उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। दोस्तों, क्वेश्चन का टाइप हमारा वही है कि यदि वस्तु को बिना छूट दिए बेच दिया जाए, और ये हमारा डिस्काउंट का टाइप 2 है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करके देखो, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझ लिया है, टाइप को समझ लिया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आपका आंसर भी आया होगा। तो आइए अब डिस्कस करते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है तो दोस्तों, आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए एमआरपी का 80%, क्योंकि मार्क प्राइस का 80% हो जाएगा 20% का छूट देने के बाद।
अब कह रहा है बेचकर 10% की हानि उठाता है। इसका मतलब कि दोस्तों ये बराबर होगा हमारा कॉस्ट प्राइस का 90%। दोस्तों यहाँ पे हमने 90% क्यों किया, क्योंकि इस बार लाभ नहीं हानि हो रहा है। तो अगर एमआरपी से 20% का छूट देता है तो वो सीपी से 10% का लॉस हो जाता है, यानी 10% की हानि उठाता है। तो दोस्तों यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि परसेंट से परसेंट को कटा देंगे तो हमारा मार्क प्राइस और सीपी का जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 90/80, और मैं कह सकता हूँ ये बराबर होगा 9/8 का, क्योंकि 0 से 0 हमारा कट जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए कि एमपी और सीपी का रेशियो 9:8 है, यानी एमपी अगर हमारा 9 होगा तो उस केस में सीपी हमारा 8 होगा। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि वह वस्तु को बिना छूट दिए बेच दे, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझ चुके हो कि अगर वह वस्तु को छूट नहीं देगा तो एमपी और एसपी बराबर होगा, और एमपी हमारा 9 है तो एसपी भी हमारा 9 हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन में सीपी क्लियर हो चुका है कि सीपी 8 होगा। तो अगर वो एसपी 9 बना दे और सीपी 8 है तो इस केस में दोस्तों उसको लाभ या हानि में से क्या होगा, अगर एसपी सीपी से बड़ा है तो उसको लाभ होगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज लाभ, और वो कितने परसेंट का होगा तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 8 रुपये खरीद के 9 रुपये में उसने बेचा, और कितने पे, तो दोस्तों 8 पे और गुणे 100। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे 100/8 जो हमारा होता है वो 12.5% होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रॉब्लम का जो हमारा आंसर होगा वो 12.5% होगा, यानी अगर वो एमपी पे 20% की छूट दे के 10% की हानि उठाएगा और तब बिना छूट दिए बेचेगा तो उस केस में उसको 12.5% का लाभ होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा डिस्काउंट का टाइप 2 था। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्काउंट टाइप 3। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे चैनल पर, देखते रहिए हमारा चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।